आज से नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इन नवरात्रों के पावन पर्व में 9 दिनों तक देवियों की पूजा की जाएगी और हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के पावन पर्व की। तमाम मंदिरों में रौनक लौट गई है, लोग कहें पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन हम आपको लेके चलेंगे रेवाड़ी के एक ऐतिहासिक श्री पीताम्बरा बगला मुखी मंदिर में, जो कि रेवाड़ी के गांव जाट जाटी अट्टा धाम में मौजूद है। और यहां मां बगला मुखी का जो मंदिर है, किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही है, यहां भक्त लोग मां बगला मुखी का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और वहां पर तैयारियां जो चल रही है वो हम आपको दिखाएंगे। ये रेवाड़ी का एक इतना ऐतिहासिक मंदिर है, जब आप इसका इतिहास जानेंगे तो आप भी अचंभा करेंगे कि किस तरीके से रेवाड़ी में ये ऐतिहासिक मां बगला मुखी का मंदिर है। कहें कि रेवाड़ी में ये जो मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 3 मंदिर है, लेकिन तीसरा मंदिर है रेवाड़ी में जो न जाने कितने सालों पुराना है। कहे लोग बताते हैं करीब ये 500-700 साल पुराना मां बगला मुखी का मंदिर है। यहाँ पर लोग जो भी अपनी मनोकामना मांगने आते हैं वो उनकी मनोकामना पूरी करती है और यही वजह है यहाँ पर तमाम हर छोटे बड़े नेता इस मंदिर में आते हैं। श्री पीताम्बरा बगला मुखी मंदिर के महंत बताते हैं कि इनसे पहले 10 महंत इस मंदिर में रह चुके हैं और वो 11वें महंत है, तो एक बार सीधा उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से मंदिर में तैयारियां चल रही है। यहाँ तैयारी है, 24 अक्टूबर का यहाँ मेला लगता, माई का भंडारा है, काफी पब्लिक आती, 24 तारीख को आएगी दशहरा, हर साल दशहरा मेला लगता है। तैयारियां ये है, पूजा पाठ चल रही है, भगत लोग आते रहते हैं पूजा करवाने माई की, उनका कल्याण होता है यहाँ। तो यहाँ जैसे जाप चल रहे हैं पिछले कई, हाँ जाप चल रहे हैं माई के, तो कौन इन जाप को कराता है? ये अब यजमान लोग आते हैं, वे करवाते हैं अपना माई का जाप। तो जैसे अभी हमने लोगों से बात की, दूर दूर से लोग आ रहे, कोई गुड़गांव से आता है, कोई कहाँ कहाँ से लोग यहाँ? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, जयपुर से आते हैं, और हरियाणा में तकरीबन इधर अम्बाड़ा है, इधर है करनाल, इधर से बहुत लोग आते हैं। तो गांव के लोग तो बताते हैं नेतागण बहुत ज्यादा आते हैं। हाँ नेता लोग आते हैं, तकरीबन सभी नेता आते हैं, जिनकी श्रद्धा वे सभी आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आते हैं? हाँ वे आए हैं, पहले आए हैं यहाँ। और कौन कौन से नेता ऐसे? सभी आए हैं, भजन लाल का परिवार खूब आया यहाँ और अभी मानते हैं वे मंदिर को इसको। तो आपने सुना महंत जी को, यहाँ दशहरे पर यहाँ पर बकायदा कार्यक्रम आयोजित होता है, मेला यहाँ पर लगता है और उस मेले में बहुत सारे आयोजन होते हैं और वहाँ पर बकायदा भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, तो जाहिर है उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही है। जो भक्त हैं माँ बगला मुखी के, वो दूर दराज से यहाँ पर आएंगे और उसी को लेकर के पिछले कई दिनों से यहाँ पर जाप भी चल रहे हैं। जाहिर है लोगों की आस्था है और वो अपने अनुसार यहाँ पर जाप कराते हैं, अपनी उम्मीदों के अनुसार कि जो उनकी मन्नत पूरी हो जाए। जाहिर है श्री पीताम्बरा बगला मुखी का जो मंदिर है उसमें लोगों की कितनी आस्था है, एक बार लोगों से ही जानते हैं। मेरा नाम रवि कौशिक है, मैं हरियाणा प्रदेश का मानव सेवा संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मुझे अखबार के माध्यम से पता लगा यहाँ प्राचीन मंदिर है बगला मुखी माता का। मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए गुड़गांव से आज आया हूँ 1 घंटे पहले, तो महाराज जी के साथ बैठ के काफ़ी विचार विमर्श धर्म के उपरांत हुआ है हमारा। और मंदिर बहुत सालों बाद हमें पता लगा, जो हिमाचल की जगह हमारे हरियाणा प्रदेश में बगला मुखी माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करूँगा कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में इधर आए, दर्शन करें माता के, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मित्र ने बताया कि यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसका अवश्य इस नवरात्रों में दर्शन किया जाए, तो हम लोग यहाँ आए और महाराज जी से मिले, बहुत ही अच्छा लगा। माँ बगला मुखी के दर्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे और दोस्त यार भी यहाँ पर अवश्य आएंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे। हम यहाँ पे MT मानसर में काम करते हैं,
हम कोशिश करेंगे पूरे अपने दोस्तों यारों के साथ साथ। तो आपने सुन लिया, हम आपको बता दें 24 अक्टूबर को दशहरे पर यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, साथ ही यहाँ पर विशाल भंडारा भी होगा जिसमें आसपास के 20-30-50 गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कहें कि उनकी संख्या हजारों में होती है। इतना ही नहीं, जो माँ के भक्त है चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो यहाँ पर जरूर आते हैं, चाहे हरियाणा से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो या अन्य राज्यों से हो, तो वो भक्त लोग भी यहाँ पर इस भंडारे में, इस मेले के आयोजन में यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जाहिर है जो ये हम आपको ऐतिहासिक मंदिर दिखा रहे हैं, श्री पीताम्बरा बगला मुखी मंदिर। तो क्या यहाँ मांगने आते हैं या कुछ मंदिर का उद्धार भी करते हैं? माई की पूजा करने आते हैं और आशीर्वाद लेने आते हैं माई का। तो वो चुनाव के वक्त आते हैं या ना? आते रहते हैं बारू मास, चुनाव से कोई वो नहीं उनका। अच्छा, जब भी उनको मौका मिलता है और उनकी श्रद्धास्था काफी है यहाँ, तो जब ही आ जाते हैं। थोड़ा सा इतिहास जानना चाहें इस मंदिर का? इस मंदिर का तो बहुत प्राचीन इतिहास है कि अब 10 महंत हो लिए इस गद्दी पे, 10 महात्माओं की यहाँ समाधि है, 11वां मैं बैठा हूँ। बहुत प्राचीन, यहाँ ऐसा जंगल था, लोग दिन में डरते थे, आते नहीं थे यहाँ, ऐसा जंगल था यहाँ। अभी जैसे बता रहे हिमाचल में इस तरह बगला मुखी का मंदिर था, उसके बाद यहाँ? हाँ, वो एक हिमाचल में एक ये है, ये दतिया में, यही है तीन मंदिर। तो यहाँ मान्यता क्या है? क्या मान्यता? लोग अपनी श्रद्धा करके आते हैं और माई का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, उनके काम होते हैं। क्योंकि महंत जी बताते हैं कि माँ बगला मुखी के मंदिर में जो भी श्रद्धालु होते हैं वो बाहर से ही दर्शन करते हैं, गर्भगृह में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता, और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी आस्था के अनुसार प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, यहाँ पर आते हैं। तो जाहिर है जो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रेवाड़ी का एक ऐतिहासिक मंदिर है। एक बताया जाता माँ बगला मुखी की प्रतिमा के पास भी नहीं घुसने दिया जाता किसी ना, माँ उसके गर्भगृह में नहीं जाने देते किसी को। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी है मूर्ति को छूना मना है, ठीक है ना? तो सर महिला पुरुषों के लिए या ना? सभी के लिए, कोई हो, कोई भी, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो, यही आकर पूजा करेगा माई के सामने। तो यहाँ जैसे अब आप बता रहे हो भंडारा होगा, मेला लगेगा, हाँ 24 अक्टूबर को, कितने लोग इसमें? यहाँ इसमें काफी लोग आएंगे, 10,000 करीब पब्लिक आ जाती है। आसपास के गांव के लोग? आप आसपास के गांव के, बाहर से सब आते हैं। बगला मुखी में भी आप भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे यहाँ मेला भरेगा उसको लेके किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखो जी, जब जब छोटे थे ना तब से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ मेला शुरू से ही भरता आ रहा है, और अब जब हम थोड़े समझदार हुए तो यहाँ आने लगे तो हमें पता लगा कि भाई यहाँ भाई माई की शक्ति है, और दूर 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 दराज के लोग आते हैं, पूरे मेरे हिसाब से हर स्टेट से लोग आते हैं यहाँ, और नेता मंत्री भी सभी आते हैं, छोटे से बड़े लोग तक सब आते हैं, और कुछ ना कुछ हाँ यहाँ शक्ति है इसलिए ही आते हैं। जब इसको माँ बगला मुखी सिद्धपीठ बोला जाता है? हाँ, जब इसको माँ बगला मुखी सिद्धपीठ बोला जाता है, और मतलब ऐसा लोग बताते हैं, और हम सब लोगों की भी, हमारी भी सबकी धारणा है कि हाँ मतलब शक्ति है माई। तो ये पूरे हरियाणा के अंदर एक ही मंदिर है माँ बगला मुखी? ये पूरी हरियाणा में एक मंदिर है, और शायद ऑल ओवर इंडिया में तीन मंदिर है, तीसरा मंदिर है। हाँ, तीसरा मंदिर है। तो आप तो यहीं के, आपको पता कौन कौन से नेता यहाँ आते हैं हरियाणा के तमाम नेता? यहाँ जी ऐसा है जी, लोकल की अगर हम बात करें तो कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ आते रहते हैं, और जैसे कि गुरु जी ने बताया, या अपने ये क्या बोलते हैं हुड्डा साहब भी आते हैं। तो ये जो हम आपको माँ पीताम्बर बगला मुखी का मंदिर दिखा रहे हैं, जो कि जाट जाट के अट्टा धाम में है, इसमें लोगों की आस्था है और लोग पावन पर्व पर यहाँ पर आते हैं। जाहिर है नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो गया और अब 9 दिनों तक यहाँ पर लोगों के आने का तांता लगेगा, और फिर होगा यहाँ पर भंडारा मेले का आयोजन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।